अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहूँगी जमान पार्क में जो रेंजर्स ने सिविलियंस पर डायरेक्ट फायरिंग की है, ये इंतहाई तकलीफ दह मनाजर है। अब ये मनाजर देखकर हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान के टोटे टोटे किए जाने हैं? ये सियासी जिद पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुँचाई जा रही है। अगर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा? पाक आर्मी सिविलियंस पर गोलियाँ चलाएंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी ये वीडियो क्लिपिंग्स देख रही है। वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? लेकिन इस वक्त क्या इकदार में बैठे हुए लोगों को इस चीज़ की परवाह है? और केयर टेकर गवर्नमेंट को किसने इख्तियार दिए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए? कल फेडरल लॉ मिनिस्टर आजम जी तारा ने कहा कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी और उसने ये काम किया। मेरा सवाल है तारा साहब, एक मायानास कानूनदान है, मगर क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात हैं? कानून को अपने हाथों में अपने मकासद के लिए लिया गया है। इमरान खान का घर तबाह कर दिया गया तो क्या आपने उसकी बदतरीन टॉर्चर किया करके आप खुश हो गए? क्या इस घर को तबाह करके आपको तसल्ली मिल गई है? ये बात सोचने की है कि हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है। और आर्मी को भी चाहिए कि वो अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश करे। शुक्रिया।